अम्मा का नाम फ़ाइजा है मेरी माँ बहुत खूबसूरत औरत थी ख़ानदान के बहुत से लड़के अम्मा से शादी की ख्वाहिशमंद थे अम्मा की उम्र बढ़ती जा रही थी सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अम्मा पर काला जादू हुआ है तभी अम्मा की शादी नहीं हो रही लेकिन अम्मा को इन सब पर यकीन नहीं था नाना नानी ने बहुत ज़ोर लगाया कि इनकी ज़िंदगी में अम्मा की शादी हो जाए अम्मा की दो बहनें और भी थीं अम्मा सबसे बड़ी थीं अम्मा की जिद में नाना नानी ने बाकी दोनों खाला की शादी कर दी सब हैरान थे कि इतने खूबसूरत होने के बावजूद क्यों रिश्ता नहीं हो रहा असल में अम्मा अपने माँ बाप का बाजू बनना चाहती थीं, क्योंकि अम्मा का कोई भाई नहीं था अम्मा ने बहुत से लोगों की बातें सुनी लेकिन अपने कान बंद रखे मगर अफसोस ये कि नाना नानी ये एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया अब अम्मा घर में अकेली रहती थीं अम्मा इन दिनों एक बैंक में जॉब करती थीं वहाँ का एक मैनेजर अम्मा को पसंद करने लगा था इतने रिश्ते ठुकराने के बाद अम्मा ने अब शादी का फैसला कर ही लिया था मैनेजर ने जैसे ही शादी का पैगाम भेजा तो अम्मा ने भी रजामंदी का इजहार कर दिया मगर अम्मा की शादी बहुत धूमधाम से नहीं हुई थी बल्कि मैनेजर के घर में ही अम्मा का निकाह हुआ था अम्मा की ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आ गई थी शादी के एक साल बाद ही अल्लाह ने अम्मा बाप की जोली में मुझे डाल दिया और फिर मेरे बाद जुड़वा दो भाई डाल दिए अम्मा अब्बा ज़िंदगी बहुत सुकून और ख़ुशी से गुजार रहे थे मेरे अब्बा के दो भाई और भी थे वो भी अम्मा की बहुत इज्जत करते थे दादी अम्मा के घर आने से बहुत खुश थी और अब्बा हमारे सारे लाड उठाते और हमें हर साइश मुहैया करते अम्मा ने नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि अब्बा को पसंद नहीं था कि उनकी बीवी चंद पैसों के लिए जॉब करती फिरे अम्मा गड़बड़ का, का काम करती और दादी हम बच्चों को संभाल लेती सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन रिश्तेदारों के मुँह बंद नहीं हुए सबकी नज़र अम्मा की खुशियों पर थी और नजरें बद तो पत्थर को भी चीर देती है तो इंसान क्या चीज़ है अम्मा अब्बा को शायद किसी की नज़र लग गई थी मैं बारह साल की थी जब मैं स्कूल से लौटी तो मेरे सर पर आसमान टूट गया घर के सहन में चारपाई और उसके पास सब घर वाले बैठे रो रहे थे अम्मा एक कोने में चुप बैठी हुई थीं मेरा दिमाग ये सब देख कर सुन हो चुका था मुझे कोई पकड़ कर आगे ले गया कौन लेकर गया मुझे याद नहीं क्योंकि इस वक्त मैं बिल्कुल भी अपने होश में नहीं थी चारपाई के पास जाकर जब दादी ने चारपाई पर पड़े इंसान के चेहरे से चादर हटाई तो मुझे लगा मैं दूसरा सांस नहीं ले पाऊंगी क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरे अब्बा थे यह कैसे हो सकता था मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कभी अम्मा अब्बा के चेहरे पर हाथ फेरती थी मेरे लिए ये सब इतना अचानक था कि मेरा दिमाग ये सब कबूल करने पर राज़ी ही नहीं था मेरी आंखें पथरा गई थीं। मैं रोना चाहती थी लेकिन मेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं आ रहा था आसपास कौन रो रहा है कौन क्या कर कह रहा है मुझे किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी मैं तो बस अब्बा का चेहरा देख रही थी जिसे सफ़ेद कपड़े से बांधा गया था मेरे दिमाग में इस वक्त बस अब्बा के साथ गुजरा सुबह का वक़्त याद आ रहा था ऐसे लग रहा था जैसे कोई ड्रामना काब है और मैं उठूंगी तो सब ठीक हो जाएगा अब्बा भी वापिस आ जाएंगे बेटी के लिए बाप बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है मेरी अपने अबा से बहुत अच्छी दोस्ती थी लेकिन अब मेरा दोस्त मेरे पास नहीं रहा था अबा का जनाजा उठाया गया तो सब रोते हुए चारपाई के पीछे भागे थे छोटे भाई रो रहे थे बाहिद मैं थी जो अपनी जगह खामोश साकत खड़ी थी कब अब्बा का जनाजा उठाया गया कब गर्वीरान हुआ मुझे पता ही नहीं चला ये सब इतना जल्दी हुआ कि समझने का वक्त भी नहीं मिला अम्मा को होश आया तो अम्मा ने मुझे अपने साथ लगा लिया लेकिन मेरी आँखें अभी भी खुश्क थीं अम्मा ने बार बार कहा कि अब तुम्हारे अब्बा इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन मैं खामोश आँखों से अम्मा की तरफ देखती रही अब्बा ने कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिया था मुझे तो रोना भी नहीं आता था कि रोया कैसे जाता है मैंने बस इतना पूछा कि अब्बा को क्या हुआ था जिस पर अम्मा ने बताया कि उनका कार एक्सीडेंट हुआ था और मौका पर उनकी जान चली गई ट्रक वाले ने अब्बा की गाड़ी को निशाना बनाया था अब्बा की मौत को एक महीना हो चुका था लेकिन मेरी खामोशी अभी तक जूँ की तू थी मेरे चचा मुझे बहुत प्यार करते थे हमारी हर चीज़ का ख्याल रखते थे अम्मा का बहुत ख्याल रखते थे अम्मा की इद्दत पूरी हुई तो अब दादी अम्मा ने बोला कि दूसरी शादी कर लो बच्चों को कैसे पालोगी लेकिन अम्मा ने साफ मना कर दिया कि वो अब दोबारा शादी नहीं करेंगी अम्मा का कहना था कि वो अब्बा की यादों के साथ रह लेंगी दादी ने अम्मा की जिद पर ख़ामोशी पकड़ ली लेकिन वो हमसे इतना प्यार करती थीं कि उनसे रहा ना गया अम्मा अब नौकरी पर फिर से जाने लगी थी चचा ने बहुत बार कहा कि वो इतना कमा लेते हैं कि अम्मा के और हमारे खर्चे अच्छे से उठा सकेंगे लेकिन अम्मा का कहना था कि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती जिस पर चचा अम्मा से नाराज़ भी रहे एक रोज़ पास के गांव की एक अमीर औरत हमारे घर आई अम्मा को इतवार की छुट्टी थी तो अम्मा भी घर पर ही थी। दादी ने और अम्मा ने इस औरत से पूछा कि आप किस सिलसिले में आई हैं जिस पर इस अमीर औरत ने कहा कि किसी ने आपकी बहू के बारे में बताया था कि वो बेवा है और मेरे बेटे की भी शादी हुई थी लेकिन उसने बीवी को तलाक दे दी मैं इसी सिलसिले में आई हूँ कि मैं आपकी बहू को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ अम्मा ने आओ देखा न ताओ और साफ़ इनकार कर दिया मेरी दादी की आंखों में आंसू आ गए और इस औरत से माजरत की ये कहकर कि मेरी बहू किसी से शादी नहीं करना चाहती मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ लेकिन उसकी एक ही जिद है कि वह अपने शौहर की याद के साथ ही ज़िंदगी गुजार देगी वह औरत भी मायूस होकर अपने घर वापस चली गई शाम हुई तो चचा घर आए तो दादी को रोते देखा तो परेशानी से उनके पास गए और उनसे पूछा कि क्या हुआ है दादी ने उन्हें सब कुछ बता दिया चचा को ना जाने किस बात का गुस्सा था जो वो दादी पर उतारने लगे आपको किससे बोला था कि आप फाइजा बाबी की शादी की बात करें चचा उठे और अम्मा के कमरे में चले गए जहाँ अम्मा रो रही थीं चचा अम्मा को समझाने की कोशिश की कि लोग ऐसे ही करते हैं और अम्मा की बात भी गलत नहीं है लेकिन अम्मा ने साफ कह दिया कि मैं कैसे किसी से शादी कर लूँ मेरे बच्चों को कौन संभालेगा मैं जो चचा को गुस्से में अम्मा के कमरे में जाता हुआ देख चुकी थी चचा के पीछे अम्मा के कमरे में आई जिस पर चचा ने जो कहा मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब चचा ने अम्मा से शादी करने का बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ अम्मा ने पहले ही रंगी से चचा की तरफ देखा मुझे हैरत का झटका लगा जब अम्मा ने चचा के रिश्ते पर हाँग कर दी मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि अम्मा कैसे हाँ कर सकती हैं दादी पहले इस रिश्ते से राजी नहीं थीं फिर ना जाने चचा ने दादी से क्या कहा कि दादी फौरन राज़ी हो गई उसके बाद तो घर में झगड़ा शुरू हो गया क्योंकि एक मेरे खालू भी मेरी अम्मा से शादी करना चाहते थे मगर अम्मा ने उन्हें इनकार कर दिया था खालू इस बात पर बहुत गु़स्से हुए थे बड़ी मुश्किल से वो चुप हुए थे इधर मैंने अम्मा से बात करना बंद कर दी थी मुझे इस बात का दुख था कि अम्मा कैसे अब्बा की जगह चचा को दे सकती हैं लेकिन होता वही है जो किस्मत में लिखा हो जब मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ तो मेरे चचा ने अम्मा की इद्दत मुकम्मल होने के बाद उनसे निकाह कर लिया उन्होंने अम्मा के साथ पसंद की शादी की थी चचा हम लोगों से बहुत प्यार करते थे अब्बा से ज़्यादा ख्याल रखते थे हर चीज़ ला कर देते थे ज़िंदगी फिर से पहले की तरह लगने लगी थी लेकिन फ़र्क बस इतना था कि पहले हमारी हर ख्वाहिश अब्बा पूरी करते थे अब चचा का एहसान लेना पड़ता था मगर शादी के कुछ दिनों के बाद वो प्रदेश चले गए अम्मा ने बहुत रोका मगर चचा का कहना था कि यहाँ रह कर वो हम सब की कफालत अच्छे से नहीं कर पाएंगे बाहर के मुल्क अच्छी जॉब मिल रही है इसलिए वो बाहर जाना चाहते हैं जब वो सेटल हो जाएंगे तब अम्मा और हम सब को भी बुला लेंगे लेकिन अम्मा का दिल बहुत घबराता था वह इस बात से राजी नहीं थी कि चचा बाहर जाएं। लेकिन चचा बाहर चले गए बाहर जाते ही हर महीने अम्मा को एक मोटी रकम वसूल होती लेकिन चचा के प्रदेश जाने के बाद अम्मा परेशान रहने लगी मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी कि अम्मा परेशान क्यों रहती हैं जबकि हर महीने अम्मा को एक अच्छी खासी रकम मिलती थी पहले पहले चचा रोज़ अम्मा से फ़ोन पर बात किया करते अम्मा रोती तो उनको हौसला देते लेकिन अब पूरा पूरा हफ़्ता चचा का फ़ोन नहीं आता था दादी जो पहले अम्मा के सद वारी जाती थीं अब अम्मा को हर वक्त ताने देती रहतीं कि पहले मेरा एक बेटा खा गई अब दूसरा भी मुझसे दूर कर दिया है तुम तो हो ही मनहूस, और ना जाने क्या, क्या क्या कहती रहती अम्मा ने चचा को बताया तो हैरत से आंखें खुल गईं जब चचा ने बोला कि घर के मसले अम्मा खुद किया करें यहाँ और बहुत से काम होते हैं अम्मा को तो यकीन ही नहीं आया कि यह वही चचा हैं जो यहाँ अम्मा को पलकों पर बिठा कर रखते थे और अब वहाँ जाकर कैसी आंखें फेर ली हैं अम्मा चाहती थी कि चचा वापस आ जाए लेकिन चचा का कहना था कि वह अभी पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते एक रोज़ अम्मा ने चचा को कॉल की तो किसी औरत ने फ़ोन उठाया वो अंग्रेज़ी में बात कर रही थी अम्मा ने भी अंग्रेज़ी में इस औरत से बात की तो ज़मीन पैरों तले से निकल गई जब इस औरत ने बताया कि वो चच्चा की बीवी है और इन्हीं की वजह से चचा परदेस गए हैं अम्मा की तो हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई अम्मा ने खामोशी से फ़ोन बंद कर दिया जब मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा क्या हुआ है तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी कि तेरे अब्बा ने अच्छा नहीं किया ये बात अम्मा ने दादी को बताई तो दादी ने कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया हैरत का झटका तो तब लगा जब दादी ने बताया कि वो अम्मा के रिश्ते पर राज़ी इसी लिए हुई थी क्योंकि चच्चा बाहर शादी करना चाहते थे मतलब ये था कि दादी भी चचा के इस रिश्ते के बारे में जानती थी अम्मा तो खामोश होकर रह गई थी बाप का साया सर से उठने के बाद जो लोग सदके वारी जाते थे आज वही लोग क्या हाल कर रहे थे अम्मा ने फिर से नौकरी शुरू कर दी थी दादी ने इस बात पर भी इख्तलाफ किया कि जब तेरा शोहर तुझे पैसे बेचता है तो फिर नौकरी क्यों करती है जिस पर अम्मा ने ज़िंदगी में पहली बार गुस्से से दादी से बात की कि वो पैसे आपको और आपके बेटे को ही मुबारक हों मुझे उसकी दी गई बीक नहीं चाहिए अम्मा ने नौकरी शुरू की तो इस बार अम्मा को एक क्वार्टर भी मिल गया अम्मा ने दादी के और चचा के लाख इतलाफात के बाद भी हम तीनों बहन भाइयों को लिया और बैंक की तरफ से दिए गए क्वार्टर में चली गईं अम्मा अब्बा को रोज़ याद करती और रोती रहती थीं। हमें बहुत दुख होता अक्सर अवकात अपनी दादी और चचा से नफ़रत भी महसूस होती लेकिन मैं हैरान रह जाती अम्मा का सब्र देख कर एक रोज़ मेरी खाला अम्मा से मिलने आई तो अम्मा को इतना परेशान देख कर खुद भी परेशान हो गई खाला हम बहन भाइयों से बहुत प्यार करते थी अबा की मौत के बाद खाला ने भी हमारा बहुत ख्याल रखा था अम्मा को खालू कुछ ज़्यादा पसंद नहीं थे वजह यही थी कि वो भी अम्मा पर बुरी नज़र रखते थे खाला की कोई औलाद नहीं थी क्योंकि खालू खालू जादू जानते थे खाला ने पहले तो उन्हें बहुत समझाया लेकिन खालू अपनी हरकतों से बाहर नहीं आए खाला ने अम्मा को हौसला दिया और दुआएँ देकर चली गईं कुछ दिनों के बाद मेरी दूसरी खाला घर आईं क्योंकि खाला की शादी अम्मा से पहले हो गई थी तो खाला के दो बेटे थे जो मुझसे बड़े थे बड़े बेटे की शादी तो हो चुकी थी लेकिन छोटा बेटा ना जाने क्यों अभी शादी नहीं करना चाहता था मेरी और उसकी कुछ ख़ास नहीं बनती थी क्योंकि मैं खामोश तबीयत थी और वो थोड़ा शरारती था हमारी इस खाला के साथ भी हम सबका बहुत प्यार था अम्मा ने खाला से हाल अहवा पूछने के बाद उनसे हमारे घर आने का मकसद पूछा तो खाला ने बताया कि वो अपने छोटे बेटे के लिए मेरा रिश्ता लेकर आई हैं और इनकार नहीं सुनेंगी। लेकिन खाला का बेटा तो मुझे सख्त नफरत करता था फिर कैसे मैं खाला के बेटे से शादी कर सकती थी मैंने खाला से कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती इनका बेटा मुझे सख्त नफरत करता है जिस पर खाला हंस पड़ी और अगली बात ने मुझे शदीद झटका दिया कि वो ख़ुद भी यही चाहता है कि तुम्हारी शादी इसी से हो अम्मा को तो ये रिश्ता बहुत पसंद था अम्मा ने मेरी रसामंदी से उन्हें हाँ कर दी मेरी अम्मा मुझे देख कुछ पुरस्कून हुई थी चचा पैसे बेचते तो वो अम्मा उनके पैसे वापस भेज देती अम्मा अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती हैं अब अक्सर अम्मा चचा का फ़ोन भी नहीं उठाती थीं और वो अगर उठाती तो भी कोई शिकवा किए बग़ैर बस हाल चाल पूछ फ़ोन बंद कर देती मेरी छोटी खाला आज फिर हमारे घर आ गई उन्होंने अम्मा को मशवरा दिया कि वो भी खालू से तावीज़ करवा लें ताकि चचा वापस आ जाएं पहले तो अम्मा बिल्कुल नहीं मानी लेकिन जब ख़ाला ने समझाया कि सारी ज़िंदगी खामोशी से गुजार दी है अब अपने हक़ के लिए भी लड़ो जब अम्मा ने हामी भर ली मेरे खालू जो कि तावीज़ करते थे उन्होंने चचा की वापसी के लिए अम्मा को तावीज़ दिया अम्मा ने वो तावीज़ अलमारी के ऊपर रख दिया और एक गिलास पानी का जो किसी ऊंची जगह पर रखना था ताकि किसी की नज़र इस गिलास पर ना पड़ सके अम्मा से खालू ने एक बकरा मांगा जिस पर पहले अम्मा परेशान हुई मगर फिर बैंक से कुछ पैसे उधार लेकर एक बकरा लेकर खालू को दे दिया अम्मा ने तावीज़ और गिलास अलमारी के ऊपर रख दिया तावीज़ रखने के दो दिन के बाद ही चच्चा का फ़ोन आ गया और अम्मा इसे अपनी हर गलती की माफ़ी मांगने लगे अम्मा को बहुत हैरत हुई जिस बात पर अम्मा का कभी भरोसा नहीं हुआ था अब उसी बात पर अम्मा को आंखें बंद करके यकीन होने लगा था अम्मा खालू के पास गईं और उनको सब कुछ बताया जिस पर खालू ने कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा अब अम्मा का हर हफ़्ते चक्कर खालू के पास लगता था अम्मा जब वापिस आती तो कपड़े लाल सिंदूर से भरे होते एक रोज़ मैं अम्मा का पीछा करते खालू के चिवारे में गई मगर मेरी तो रूह कांप गई जब खालू अम्मा को अपने जादू के ज़रिए काबू कर चुके थे और उनके बाल काट रहे थे अम्मा के बाल बहुत खूबसूरत थे मगर अब बहुत बुरे लग रहे थे फिर खालू अम्मा को कोई इंजेक्शन लगाते जिस पर अम्मा को हल्की सी तकलीफ़ महसूस होती लेकिन अम्मा को अपना कोई होश नहीं था मेरी छोटी खाला बहुत बीमार रहने लगी थी डॉक्टर्स को कुछ समय नहीं आ रहा था तभी खाला को हस्पताल हाँ में रखा गया घर में बस अम्मा और खालू अकेले होते थे मुझे ये सब बहुत अजीब लगा मैं रोती हुई अपने मगेतर के पास गई और उसे सब कुछ बता दिया मेरा मंगतर और मैं खालू के घर गए और अम्मा को वहाँ से ज़बरदस्ती घर ले आए घर आते ही चचा का फ़ोन आया कि वो बहुत बीमार हो गए हैं और ख़ुद से चलने फिरने के भी काबिल नहीं हैं उनकी बीवी भी उनको छोड़ गई है वो वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं क्योंकि वहाँ कोई काम भी नहीं बचा और वो दो दिन से भूखे हैं मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था खाला ने मुझसे पूछा कि छोटे खालू ने अम्मा को क्या क्या चीज़ें दी थीं तो मुझे अलमारी पर रखा तावीज़ और पानी भरा गिलास याद आ गया मैं जल्दी से अम्मा के कमरे में गई और तजस के मारे जब मैंने वो तावीज़ पढ़ा तो मेरी रूह लरस गई क्योंकि इसमें चचा की तस्वीर पर लकीरें मारी हुई थीं जब हमने इस तावीज़ को पास वाली मस्जिद के इमाम को दिखाया तो हैरत का शदीद झटका लगा क्योंकि वो तावीज़ चाचू को लावारस बनाकर मारने के लिए और हमारी छोटी खाला की मौत के लिए और अम्मा की शादी खालू से हो जाए के लिए था मुझे अपने खालू की हरकत पर बहुत तकलीफ़ हुई क्योंकि खालू ने ऐसा किया मैंने अपनी अम्मा को होश दिलवाया और खालू की सारी हकीकत अम्मा को बता दी जिस पर अम्मा को अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत दुख हुआ कि अल्लाह को याद करने की जगह अम्मा ने गलत रास्ता क्यों अपनाया हमने हालत के पेश नज़र अम्मा को परदेश चचा के पास भेज दिया अम्मा वहाँ चच्चा के पास गईं तो फूट फूट कर रो दी क्योंकि चचा बहुत कमज़ोर हो गए थे उनको अपने किए की सज़ा मिल चुकी थी इधर दादी जिनको कोड़ की बीमारी लाक हो गई थी मैं और मेरे भाई उनके पास चले गए ताकि उनकी खिदमत कर सकें दादी अक्सर अब अम्मा से माफ़ी मांगा करती थी मैंने और मेरे मगेतर ने मिलकर खालू को जेल करवा दी क्योंकि वो अभी भी अपने कामों से बाज नहीं आए थे खालू को उम्र क़ैद की सज़ा हो चुकी थी छोटी खाला भी अब हमारे साथ रहती थी उन्होंने खालू से तलाक ले ली जब खालू से पूछा गया कि उन्होंने इतनी बुरी हरकत क्यों की तो हमारे होश उड़ गए जब उन्होंने कहा कि वो पहले दिन से मेरी अम्मा को पसंद करते थे पहले उन्होंने अम्मा के लिए ही रिश्ता मांगा था लेकिन अम्मा ने साफ इनकार कर दिया था तब खालू ने छोटी बहन से शादी कर ली मगर अम्मा को हासिल करने के लिए उन्होंने काला जादू सीखा और मुसलसल हमारे घर पर काला जादू करते रहे और फिर इसी काले जादू से उन्होंने मेरी माँ को हासिल भी कर लिया था मगर अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है खालू आज अपने किए की, की सज़ा काट रहे थे दो महीने बाद जब चचा फिर चलने फिरने के काबिल हो गए तो अम्मा के साथ वापस पाकिस्तान आ गए चचा के पाकिस्तान आने के दो हफ़्ते बाद दादी अल्लाह को प्यारी हो गई जिस पर चचा बहुत गमगीन रहने लगे अम्मा ने अच्छी बीवी की तरह तब भी चचा को संभाला चचा बहुत शर्मिंदा थे अपने किए पर अम्मा से माफ़ी मांगते थे जिस पर अम्मा ने फ़राख दिली से उनको माफ़ कर दिया था सबकी रजामंदी से मेरी शादी मेरे मंगेतर फ़रहान से हो गई मेरी अम्मा ने जितनी तकलीफ़ देखी थी अल्लाह ताला ने उसके बदले मुझे इतनी खुशियाँ दिखाईं मुझे इतना खुश देख मेरी अम्मा को अपना हर गम बोल गया मेरा शोहर मुझे पलकों पर बिठा कर रखता था ये दुनिया मकाफ़ात अमल है जो बोोगे वही काटोगे लू ने जो बोया उसकी सज़ा उम्र कैद थी दादी ने जो बोया उसकी सजा मुताजी थी चचा ने जो बोया उसकी सजा धोखा थी अम्मा ने जो बोया उसका फल सुकून और ख़ुशियाँ थी, इसीलिए वही बो जो काटने की हिम्मत और ताकत भी रखते हो मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शुक्रिया